दोस्तों आज के कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें के बहुत सारे कमेंट आए। वो मैंने वीडियो बनाई थी कि इंस्टाग्राम से फेक अकाउंट कैसे रिमूव करें। उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमारा फोटो लगा के कोई तो फेक अकाउंट बना रहा है, तो ये जो लड़के टिंगल चाले करते हैं मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा मत कीजिए भाई। उसके नीचे जो भी कमेंट आ रहे थे ज्यादा तो मुझे वो कमेंट दिखे कि हमारी फोटो लगा के कोई फेक अकाउंट बना रहा है, जैसे कि कोई लड़की है बहुत फेमस है उसका कोई फोटो लगा के उसको गलत यूज कर रहा है और बहुत गलत गलत पिक वहां पे अपलोड कर रहा है, तो इस वजह से लड़की की बहुत इंसल्ट होती है। इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो इसके आप कैसे, कोई भी आपके अगर नाम का अगर आपका फोटो लगा के आपका फेक अकाउंट बना रहा तो उसको आप कैसे इंस्टाग्राम से रिमूव करवा सकते हैं। गाइज उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो ऐसे ही बनाता रहता हूँ। इस वीडियो के बाद अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरा यही यूजर नेम है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम मारूफ है, आप देख रहे हैं टेक मारूफ यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लिए इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर। जैसे ही हमारे सामने इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर आ गया है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर की, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपको, इसके रिलेटेड अगर कोई भी आपका कुछ है तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप प्राइवेसी एंड सेफ्टी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी टिप्स वगैरह वगैरह, अगर आपको यहाँ पे जो भी टिप्स दी जाती है उनकी तरफ से वो आप देख लीजिए एक बार, कैसे कैसे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे बहुत सारा कुछ है। और यहाँ पे आप देखेंगे हैकड अकाउंट, यहाँ पे बहुत सारा कुछ आता है अगर आपका अकाउंट हैक हुआ। इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपका अकाउंट हैक हुआ है तो कैसे रिकवर करते वो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारा अभी हमने यहाँ पे अभी हमारा अगर अकाउंट कोई भी हमारी पिक यूज़ करके कोई फेक अकाउंट बनाता तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए दूसरे नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में पहले तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इंग्लिश कर लेता हूँ, आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ से रख सकते हैं। गाइज उसके बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। हम आज फिलहाल अपनी फ़ोटो, अगर कोई हमारी फ़ोटो लगा के कोई अगर फेक अकाउंट बना रहा हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इसमें से आप देख लीजिए आपको कौन सा यूज़ करना। तो यहाँ पे हम सिंपली पहले वाले पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लिया, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ इफ़ यू हैज़ ए इंस्टाग्राम अकाउंट यू कैन रिपोर्ट इट ऑन यस फॉर्म विद इन द ऐप और बाई फिलिंग आउट दिस फॉर्म। ये बोल रहा है कि अगर आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया आप वहाँ से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन नहीं है, अगर आप ब्राउज़र में ही चलाते हैं, या मैं आपको ब्राउज़र पर दिखा देता हूँ कि ब्राउज़र से आप कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिस फॉर्म पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में आपके सामने ये पेज शो होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी बहुत सारा कुछ है, जैसे कि आप अपने बच्चे की अकाउंट की रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे है। अगर आपका कोई पुराना अकाउंट आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मालूम है तो सबसे नीचे वाला ये, तो हम फिलहाल यहाँ पे दूसरे नंबर वाला चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आएगा, इसमें से आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ आपको दूसरा पेज शो करेगा, तो यहाँ हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम देना होगा, जो नाम आपके अकाउंट में इंस्टाग्राम पे है, ठीक है, वो नाम आपको यहाँ पे देना होगा। लाइक आपको मैं नाम भी बता देता हूँ कि कौन सा नाम है, ये देख लीजिए ये वाला नाम है। उसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस अपना देना होगा, जो ईमेल एड्रेस आपके इंस्टाग्राम में है वो वाला ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे इंटर कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे देना है जिस अकाउंट का आप, जिस अकाउंट ने आपकी इमेज लगा के आपका फेक अकाउंट बनाया है, उस इमेज का यहाँ पे आपको पिक्चर नाम, या आपको जैसे भी कोई आपकी पिक्चर यूज़ कर रहा है वही पिक्चर का आप यूआरएल वहाँ पे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। देखिए ऐसे यूआरएल कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में इस तरह से यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
या जिसका अकाउंट है उसका आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। जो आपका फेक अकाउंट बनाया होगा उसका आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो ये वाला उसका नाम होता है, ये आप देख रहे हैं ये वाला उसका नाम होता है। वो आप जैसे वहाँ पे लिखा होगा लिटल या कैपिटल में वैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो उसके बाद में यहाँ पे आता है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम आपको कहाँ से मिलेगा, जिसने भी आपका फेक अकाउंट बनाया होगा उसका, ये देखिए ऊपर ये वाला यूज़र नेम रहता है। यहाँ से आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही लिटिल कैपिटल में जैसे भी होएगा वहाँ पे आप वहाँ से आप लेके यहाँ पे आप वो नाम लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आईडी प्रूफ का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका कुछ नहीं होता। आपकी आईडी पे गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर है क्या क्या, आपकी आईडी नंबर क्या है, ये वो क्या है, उससे इंस्टाग्राम को कुछ लेना देना नहीं है। आपकी जो आईडी प्रूफ है उस पे जो नाम है वो इंस्टाग्राम पे आपका नाम होना चाहिए, और विद इन जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आईडी पे वही डेट ऑफ बर्थ आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पे होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चूज़ फाइल पर अलो करके जो आप इमेज लिए होंगे उस इमेज को आप या तो कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं नहीं तो फाइल में रखा होगा, और ये इमेज JPEG होनी चाहिए। JPEG इमेज कैसे आपकी होनी चाहिए ये अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करना मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई आप यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे आप उसका कमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद में आप सेंड करेंगे तो इंस्टाग्राम की तरफ से आपको एक ईमेल आ जाएगा कि थैंक्स फॉर रिपोर्टिंग वगैरह वगैरह, आपको ईमेल आ जाएगा। उसके बाद में विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दूसरा मेल भी आ जाएगा कि ये अकाउंट आपका मतलब फेक अकाउंट यूज़ किया था तो आपने कमेटी गाइडलाइन वगैरह वगैरह। उसके बाद में आपको वहाँ से मेल आएगा थैंक्स फॉर रिपोर्टिंग इंस्टाग्राम यूज़र्स वगैरह जो भी लिखेंगे, तो आपका जो अकाउंट है वो आपका जिसने भी फेक अकाउंट बनाया होगा वो कम्प्लीटली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। सो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा और भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपका कोई वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो मेरे इंस्टाग्राम यूजर नेम ये है मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी SMS करके पूछ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।